बेपना। I know I'm not gonna attempt singing. चौड़ा बढ़ जाएगा मुझे आप लोगों से जोर से कान के नीचे से कंटाप देंगे, कहेंगे एक तो हम वैसे हार्ट ब्रोकन है कि हमारा शो गया और फिर हुआ है और हम पता नहीं अब आदित्य को कब देखेंगे और जेनिफर को कब देखेंगे। आई नो ये सारे क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछे, सो आई हैव गॉट योर क्वेश्चंस राइट हियर सुपर 93.5 एफएम पर। मैं आकृति एंड आपके सवाल अर्षद चोपड़ा राइट हियर। यू आर बीइंग डाउटेड एज द शाहरुख, आई थिंक कभी डर के जोन में कभी। Look at the kind of support. For any romantic, you know, imagine any of these scenes you're imagining. Imagine the background score. एक तो सबसे पहली चीज हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग था वो दो ऐसे गाने, मुझे लगता है यार ये ऐसे गाने हैं जो अगर किसी फिल्म को मिली होती तो वो फिल्म हिट हो गई होती। All sometimes you need is a certain amount of budget and two good songs. What kind of songs Rahul? मतलब उसने बेपना ने ना जो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये शो किस्मत से बना है क्योंकि हम सब मेहनत कर रहे थे, वी ऑल वर रीचिंग टू दिस पॉइंट फ्रॉम अपनी अपनी जगह से, बट आई थिंक द मोमेंट सॉन्ग्स केम इन द शो चेंज्ड दैट्स द पॉइंट। वो तो बोलो कि सच गुड लुकिंग कपल ऑन स्क्रीन दिस फायर। आई एम थैंक गॉड कसम से अगर जेनी नहीं रहा होता ये शो, आई डोंट नो क्या होता है शो का। Thank God she did it. Both of you look fire on screen, not the best couple, best, good looking, compatible, and in chemistry, energies, vibes. Like, I kept on complaining only one thing. Like, you know, जो सबसे ज़्यादा बुरा जो लगा ना about the show was that एक बार होता है, you know, it's done. Like, don't really work ever again. And I think इसको और अच्छे से किया जा सकता था। I totally think, I really want to say that here. I totally think ये कोई तरीका नहीं। मतलब ये डेफिनेटली कोई तरीका नहीं था बिकॉज इतने झटके से सडनली एंड यू नो समथिंग आई स्टार्टेड व्हेन आई स्टार्टेड टू गेट मैसेजेस ऑन माय इंस्टा समथिंग बिकॉज दिस इज द ओनली रेडियो शो व्हिच इज कंप्लीटली अबाउट टेलीविजन सो आई डू गेट अपडेट्स एंड ऑल सो दीस गाइस स्टार्टेड सेंडिंग मी मैसेजेस लाइक हैशटैग डू नॉट एंड बेपना एंड आई डिडंट बिलीव आई डिडंट इवन रिस्पॉन्ड क्योंकि मुझे लगे बेकार की बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इश्कबाज की कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है तो उसके चक्कर में यू नो फैन क्लब्स डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ कर। एंड देन द नेक्स्ट डे आई फाइंड आउट कि दो तीन शादी का सीन आया, इतने दिनों तो शादी नहीं हो रही है, फिर शादी हो जा रही है जिसका जनता वेट कर रही है। नाउ पीपल आर वेटिंग कि अब फाइनली इनकी मैरिड लाइफ को हम देख पाएंगे, जिसको देखने के लिए आपने इतने दिनों से हमको लटकाया, और जब आपने हमें इतने दिनों लटकाया and now we want to see them together. And this is not done. So yeah, completely I don't हाँ explore तो नहीं, मतलब हम लोगों ने actually I don't think we have even touched say 50% of what we could have done. Like in terms of Jenny and me, I think हम लोग 50% of our caliber has been if 50% और बचा है. That's what I'm saying. लेकिन गया, मतलब it's fans के लिए तो ये हो गया ना कि हाथ को आया मुंह नहीं लगा। I mean, this is very weird way to say this. I know, but exact emotions वही हैं. But I think फिर भी ना, I think मैंने वही बोला कि ये जो show आया है वो अपनी ही किस्मत दिखा रहा है. But why this abrupt? When were you guys told? मतलब I why? Knew, I did you to, question? I बात हुई, सारी बात हुई, there were a lot of things. But the thing is कि I got to know when I remember I was going to meet Salman Khan. That was 23rd. So, 22nd was this one's birthday, Namita. 22nd को रात को मुझे पता चला था, and when I was on my way there, I got to know that it's going off air. And then luckily I went there and I was preoccupied. I was feeling my mind, so I was there. And when I came back next day, I think somewhere आके तो उसके बाद फिर पता चला कि it's going off air. But I don't think we questioned. So whenever there's something abrupt ending coming in, then you're ऐसा तो नहीं है कि TRPs नहीं थे, ratings थे। Okay, चलो बहुत basic अगर बोले कि चलो ratings नहीं, that's how you in case TV industry functions like that. It was one of the top 10 shows all the time, performing well, doing well. Then obviously, you guys have given heart and soul to the show. No, but what is a simple question? Why? नहीं, but you can't ask such question because पता है जब आप just for understanding. आपस में बात होती है एंड वी आई थिंक काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि बेसिकली पता है क्या है, इट्स अ सिनेरियो वेयर नोबडी इज एट फॉल्ट,
And you know, I'll tell you honestly, everybody likes this show, everybody has loved this show, even the channel. This was no time. Sometimes you have to, yaar, timing nahi tha. Nahi, timing ki baat nahi hai, but sometimes I think everybody is taking a decision depending on where they are in life. And in that, everybody is kind of getting pisoed or pursued. By the end of it is a game of numbers now. You can't deny the fact that number one channel, if a number one channel on number is today, say star, then it will stay. You know, for the next week, it will stay. And who doesn't want to stay at number one? And especially people who are at number or were at number one, why will they not want to go there? You know, if you will look at, हम लोग पता क्या हो गया कि और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. हम सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं बिकॉज वी आर लिविंग दैट लाइफ. बट एक्चुअली नीदर डज एनीबडी इज केयर, नीदर इज इट रिक्वायर्ड टू थिंक. बट आई थिंक एवरीबडी इज, यू नो, एक चीज जरूर थी इस शो के साथ, बंद करने वालों को भी बुरा लगा है, बंद हुआ है इसलिए भी बुरा लगा है. एवरीबडी वॉन्टेड टू डू इट मोर. हाँ, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं था. Everybody wanted to do it. Because ये क्योंकि पॉइंट आता है ना तो समझ में आ जाता है. अगर मैंने शो नहीं देखा होता तो मैं शायद इतनी पैशनेटली बोल भी नहीं पाती. मैं इसलिए बोल पा रही हूँ बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग द शो एंड आई वॉज होपिंग फॉर समथिंग. लाइक मतलब मैं तो फिर भी बॉम्बे में बैठी हुई, आई अंडरस्टैंड द मीडियम अलॉट मोर देन अलॉट ऑफ फैंस जो छोटे छोटे शहरों में उन कैरेक्टर्स के साथ जीते हैं. They've been investing their heart, soul, energies for months ki chalo finally Zoya Aditya ek ho gaye. Aapke sare episodes dekhe, drama dekha, kisliye dekhe, bure bhi dekhe, kisliye dekhe. Now aap suddenly, you know, you just pull the show off. At least kam se kam kuch nahi to there should have been a certain ending. Certain ending. Culmination feeling. Kuch organic hona chahiye tha na. Kuch to karte organic. It's like a breakup. Ha. Wo bhi the way to explain this is breakup. Because you actually have an affair. Yeah. And then it's not there. So it is like a breakup. Mutual consent? No, mutual consent tab hoga na jab ek living identity hogi samne. Non-living identity, you can't even blame the identity. It's like kisko bologe aur kya bologe? Agar kahin jaan ho, kahin zaban ho to baat bhi ho. Haan. To it's like you were a fool. So if you see me, I take responsibility and I work with a certain amount of at least liking and disliking. I'm not saying any kaam is chota aur bada, kaam chota bada nahi hota, har kaam hota hai. Ek hota hai man ka. Bahut kaam kiya yaar and bahut variation. Aur mazedar. Bahut kaam kiya. Aur enjoy kiya. Okay, haan, I have lived. Touch, you should like completely live in there. And I'm thankful that matlab I'm okay. आपके फैंस ओके नहीं है? आई नो. कॉल्स आए हैं. टिल द टाइम द नेक्स्ट शो डजंट हैपन, आई नो. ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है. सो कॉल सुनाओ आपको. हां, वी गॉटन ऑल द कॉल्स. लेट्स टॉक. तो सो ऑन दैट नोट, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. Hi, Harshit. This is Shani here from Australia. I work as a hair practitioner here. I and my friends are big, big fan girls of you. We watch Faith on our Monday to Friday together. We're very excited that that's gone off air. Just want to request you, we sent you fan messages across on Instagram direct message. We created a group chat and we've included you in it. It's called Diehard Harshit Chopra Fan. If you could see that message and replies back on Instagram direct message, we would be very happy. And all the best for your future projects. We love you in Australia and we wish you all the best. And thank you, Kriti, for giving me an opportunity to speak to Harshit Chopra. Thank you so much. I will do that. I will check my Instagram and do that. Die Hard, she's made an account called Die Hard Harshit Chopra Fans. And this is a caller from Australia. She was messaging me in the morning. But actually, Australia! The kind of love we have got, na, from all over the world. Matlab, I'm sure abhi pata chalega. Kahan kahan se. Australia, Pakistan.
इंडोनेशिया सिंगापुर एवरीवेयर अरेबिक अपना हाँ मैं भी मतलब टॉकिंग टू टू थ्री अरेबिक मेजर 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 आई विल शो यू द पोस्ट Hi Harshal, this is Akshati. We love you and I must tell you that Aditya Bhatta was one of the best ITV male lead ever. Just one question to you. Do you think Indian television is losing its charm? Do you think it's losing its grip because there is so much supernatural stuff being shown these days on Indian television? Hi Akriti. I'm too small to answer this question, but I'll try. What I understand, I'll tell you. Today, the idea of making a different show, अच्छा show बनाने का idea नहीं है, अलग show बनाने का idea है, और वो अलग के चक्कर में कभी-कभी हम भूल जाते हैं, जो हमारा essence है ना Indian television का, जो characters हमारे घर के characters बन जाते हैं, लोगों को literally मतलब लोगों के अंदर से actually आंसू निकल आते हैं, ये सिर्फ हमारे and I think Because we are looking at making something different. Mm-hmm. That's why I think we are missing the point. But every once in a while, then we have a show mm-hmm. which reminds us, this is what I tell you. Yeah. Hi, Arshad. My name is Bhavna. Hi, Bhavna. Thanks for this opportunity. I have so many questions for you. Currently, I'm blank. But yeah, I just wanted to tell you that I just loved your performance in Bepana. You're so cute. And I wanted to ask you that on which project you are currently working on. And yeah, I want to tell you one thing also. You kind of look like Enrique Iglesias to me. And you're very cute. Oh, and I love cute. You so much. And Harshad, my next question is, do you have any girlfriend? If you don't, then please, I want to be your girlfriend. Because I love you so much. Please be back on television as soon as possible. Because we are really missing you. Thank you so much. कितना कुछ बोल रहे हैं। I know इतने सारे सवाल और जवाब अब तो क्योंकि ये अगर सवाल है तो इसका जवाब ये नहीं हुआ तो ये होगा इसलिए अब ऐसे भी जवाब देने पड़ेंगे But I think let's start with Enrique. हाँ। I think जब मैं नया नया आया था जो पहली फोटो शूट किसने की थी हैदर खान करके this photographer हैदर भाई he clicked and he said you look like Enrique. Of course he is. मैं ब्लर में भी दिखूंगा वैसा तो चलेगा मुझे See? Seriously, what was the other question? उसको girlfriend बनना है उसके पहले का आपको बट भाई बहुत दावेदार है ऐसा क्या है मतलब बस उस सवाल के पहले एक सवाल था सवाल ये था व्हाट आर यू वर्किंग ऑन आई एम वर्किंग ऑन मेरे को तो गर्लफ्रेंड वाला सुनाई दिया बस मुझे वर्क ही सुनाई देता आई एम वर्किंग ऑन हैंडस्टैंड पुशअप्स गर्लफ्रेंड वाला क्वेश्चन कांट स्किप गर्लफ्रेंड आया क्या उसके बाद हां उसको बनना है ना है मेरी गर्लफ्रेंड आई सिंगल पूछा उसने पहले पूछा कि आर यू सिंगल उसके बाद उसने पूछा गर्लफ्रेंड बनना है I'm single. I'm a very yes. Please, where are you? मैं पक चुका हूँ आगे दे. Please. Why are you keeping her away from me? No, because no, of you. No, not at all. I got you like right here. Please make me meet her. Let's have a like total मतलब. Please, I'm dying to date someone. Wow. On that note, ये मैं करने वाली हूँ रुको. You. Next. Hi Harshad, Nisha this side. I just wanted to say यार कि आपका personality बहुत ही cute है. I just think nice you like बहुत अच्छे लगते हो. मैंने सुना आपका शो अभी ऑफर हो रहा है. तो आपका जेनिफर का chemistry बहुत ही अच्छा है. तो I mean as a couple you look too good together. तो future में कभी कुछ हो सकता है क्या दोनों के बीच? ठीक है. मुझे लगा दोनों के बीच इसका agenda क्या है? मुझे लगा कि ये ना एक सवाल आते आते बोले नहीं अभी टाइम नहीं हुआ नहीं यहाँ से भी नहीं बन रहा है आखिरी में आके भी उनसे बोला नहीं गया उन्होंने खाली बेसिकली वो एग्जैक्टली जो पूछना चाहते और शो मुझे नहीं पता और काम मुझे नहीं पता जेनिफर विद जेनिफर हाँ नहीं उसका एजेंडा कुछ और था नहीं लेकिन मुझे जो समझ में आया वो ये था कि क्या आप दोबारा साथ में काम करेंगे हाँ डेफिनेटली अगर कोई देगा तो जरूर करेंगे बेचारी बहुत उसको पूछने का मन कुछ था उसने घुमा घुमा के क्या पूछने का मन था उनका उसको बेसिकली वो ये पूछना चाहती थी कि यू एंड जेनिफर डू यू शेयर एनी काइंड ऑफ केमिस्ट्री बेसिकली लाइक ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री तो जेनी से पूछना पड़ेगा ना बट अभी तो मतलब मौका ना अकेले कैसे जवाब दो इसका Next question. Hi, Anisha. I really like your show, Bepana, and I'm really, really upset that it's going off air.
अपने क्यों चैनल वाले का ट्राई भी किया दैट दिस शो शुड गो ऑन. वी रियली लाइक दिस शो एंड दिस इज गोइंग सो गुड. सो क्या रीजन है जो आपने फाइट नहीं किया? इज देयर एनी अदर रोल फॉर यू दिस इज कमिंग नेक्स्ट और एनीथिंग लाइक दैट? सो प्लीज टेल अस क्यों आपने ये शो छोड़ा, क्यों ये बंद हो रहा है? हर्षद आई रियली रियली वांट टू मीट यू, आई रियली वांट टू सी यू, सो वेयर कैन आई कैच यू एंड आई कैन सी यू, प्लीज बता दो ना. अगेन बहुत सारे सवाल है. हां बट एज फार एज द फाइट इज कंसर्न, ओके वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग बेसिक लॉ, मदर नेचर का लॉ. एक होती है घास, एक होता है घोड़ा. घास और घोड़ा. तो घास अगर ना घोड़े से झगड़ा करेगा ना तो घास सूख जाएगा और खत्म हो जाएगा, घोड़ा उसे खाएगा भी नहीं. सो सेज इट ऑल. या वैन गॉट. सो मतलब इसको शी वांट्स टू सी यू, चैट करना उसको, लाइव चैट करना. वो तो लाइव टॉक हो सकती है हमारी. व्हाई डोंट यू मेक मी टॉक टू दीस पीपल? यू हैव कम हियर. You're not even letting me talk to them. I was telling you I want to talk to women. I want to talk to girls. Yes, I and then you are like, nahi nahi do wo main bachaunga. गलत बात है. I got all the love for you. On recording. अपने बारे में भी नहीं सोचा मैंने. On recording. On recording. You didn't come to the studios. I was telling you please. You did not even send. Who sent you the address? You sent me the address and when my. You did not send me the address. No, you did not send me the address. I would have come there. Oh please, you said no. Now you're like. No, झूठ कभी कोई नहीं चाहता दुनिया में मेरा भला हो. आओ तो अशोक चोपड़ा, पहुंचो तो रेड एफएम स्टूडियोज में, जरा हम भी दिखाएंगे. वेलकम. हाँ आज मेरी बारी, ये एक एक बदला लिया जाएगा. My name is Trusha Sontake and I am from Nagpur. My question is कि अभी देवपना सीरियल जो है वो एंड होने जा रहा है, तो जब उसकी शूटिंग चल रही थी, शूटिंग के दौरान कभी भी हर्षद जी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप जेनिफर जी के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो या उनके बारे में कुछ फील कर रहे हो? बिकॉज शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड यार कोई भी उनके प्यार में पड़ सकता है. तो मेरा क्वेश्चन यही है कि आपको उनके बारे में कभी ऐसा कुछ फील हुआ? बहुत बार, और जितनी बार होता था मैं उन्हें जाके बता देता था. क्या स्मार्ट आंसर था, बहुत बड़े मतलब एकदम. अब बोलो क्या बोल रहे हो तुम आगे, है ना? Well, she's stating facts and I'm stating facts. Yeah. I should go and tell her. And then? And then she's like, अपना काम कर. नाइस. 90.5 रेड एफएम बजाते रहो.